उसके बाद मणिपुर में लग गई, आज मैं समुदाय को वहाँ से निकाला जा रहा है। समुदाय जो है वो कोई वो एक भारत का हिस्सा ही है। मैथिली समुदाय भारत में रहने वाले ही है। पहले ये जो आग है जो मैथिली समुदाय जो कि हिंदू समुदाय से संबंध रखते हैं, पहले उनको आप देखेंगे जैसे कश्मीर का आप एग्जांपल देखेंगे, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग चुप थे। तो ये कोई इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देखिए कि आज ये आग पहले कश्मीर में लगी थी, उसके बाद ये आग मणिपुर में लग गई, आज मैथिली हिंदू समुदाय को वहां से निकाला जा रहा है, कल ये चीज राजस्थान में भी लगेगी, फिर हम अजमेर को अलग क्यों मान सकते हैं? ये तो पूरे भारतवर्ष का हिस्सा है ना, हम इसमें क्यों मानें? सभी लोगों को जितने भी हमारे जो पारंपरिक जितनी भी ये जैसे एक पारंपरिक जनजाति है जो हमारी परंपरा और सभ्यता को निर्वाह करती है, अगर इन जनजातियों को खदेड़ा जाएगा तो कैसे हमारी परंपराएं बच पड़ेगी? हिंदुस्तान की असली जो ताकत है वो उसकी संस्कृति और परंपरा में ही तो है। तो अगर हम इसको अगर ये सोचे कि राजस्थानी लोग लगा लगे तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। भाई हिंदू समुदाय सभी जगह रहता है, मैथिली समुदाय सभी जगह रहता है, तो हम लोग इसीलिए इनका समर्थन करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनके साथ ये जो इनका नार्को टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भी खतरे में आ रही है और नशे का शिकार हो रही है, इन सबको रोका जाए और ये जो एक कश्मीरी पैटर्न पे जो ये हिंसा करी जा रही है इसका भी विरोध करा जाए, सरकार इनका दमन करे। नाम बताओ। मेरा नाम डॉक्टर रेखा वर्मा है, मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हूँ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुकी हूँ। इसके अलावा काफी सारे जो गोरक्षा दल है उनसे भी संबंधित हूँ। कारण क्या है और किसके नाम क्या है? आज हमने जो मैथिली समुदाय है मणिपुर के उनको लेकर हम यहाँ आए हैं कि जो मणिपुर में पिछले 4 महीने से जो घटनाएं हो रही है, हिंसा हो रही है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जो भारत में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह बीजेपी सरकार होने के बाद भी वहाँ पर हिंसा पे कोई लगाम लगे नहीं लगाई जा रही है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं और लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार कहीं भी सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा था जी सम्मेलन के बाद हम मणिपुर पे कार्रवाई करेंगे, मणिपुर के लोगों की वो करेंगे, लेकिन अभी तक जी सम्मेलन खत्म हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक मणिपुर को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। आज हम जो मैथिली समाज के समर्थन में आए हैं यहाँ पर राजस्थान से और अजमेर जिले में अभी कर रहे हैं, हम अभी कलेक्टर महोदय और पीएम महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं ताकि उनको अवगत करा रहे हैं कि जैसे पूरा देश इनके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है कि वहाँ जो हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बंद किया जाए। मणिपुर हमारा देश का अभिन्न अंग है, वो हमसे टूटने की कगार पर है। आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, क्योंकि आप जब बताते हैं कि भाई इस देश में ये हो रहा है, वहाँ घटनाएं हो रही है, राजस्थान की घटनाएं बताते हैं कि वहाँ पे संसार घटनाएं हो रही है, उससे बड़ी घटनाएं तो मणिपुर में हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। सर अभी 2 दिन पहले कल ही गोलीकांड हुआ, वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जल्द से जल्द और वहाँ पर जो हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं उनकी नीतियों का दमन किया जाए। वहाँ की सरकार निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है, जब उन्हें इन चीज का पता था पहले से। मणिपुर में 15 दिन सरकार पहले चेक जाती, 10 दिन हुए घटना को हुए, 15 दिन हुए, यहाँ पर 4-4 महीने हुए, सरकार सूद ही नहीं ले रही है, जबकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और आपके नेशनल में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों जगह एक ही सरकार होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही है, तो इससे बड़ी बेबस सरकार क्यों है? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पर भगवान सिंह चौहान पूर्व शासन अध्यक्ष अजमेर विश्वविद्यालय।